उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक तरफ ओबीसी समाज के जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ जो सवर्ण हैं वो परेशान हैं कि कहीं उनमें से जो अभ्यर्थी शामिल हो चुके हैं जिनको 4 साल नौकरी करते हो गया उनकी नौकरी ना चले जाए। ऐसे ही कुछ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं ये भी यहाँ पे इकट्ठे हैं SCRT पर, जहाँ पर एक तरफ OBC का धरना चल रहा है, वहीं सवर्ण क्लास के भी कुछ लोग हैं। ये बताएं भैया, आप लोग की क्या डिमांड? सर हम लोग, क्या नाम है पहले आप? सर्वेश प्रताप सिंह मेरा नाम है। सर यहाँ पे बात सवर्ण और आरक्षित वर्ग की नहीं है, हम लोग 4 वर्ष से सेवारत हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षक हैं। हम लोग सरकार द्वारा निर्धारित जो योग्यताएं थी, उनके द्वारा जो निर्धारित परीक्षाएं थी, सभी परीक्षाओं को पास किए हुए हैं और शिक्षक बने, 4 वर्ष से सेवा दे रहे हैं। अब जो ये डबल बेंच का माननीय हाईकोर्ट का आदेश आया है, इससे साफ स्पष्ट है कि सूची फिर से बनेगी, और जिस हिसाब से वही सरकार जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जब सतीश द्विवेदी जी थे जिनके कार्यकाल में 69,000 भर्ती पूरी हुई है, वही सरकार अपने प्रेस नोट बराबर जारी करके कह रही थी कि हमने कोई घोटाला नहीं किया है, कोई गलती नहीं मान रही थी सरकार। लेकिन आरक्षित वर्ग के बड़े बड़े नेताओं के दबाव में, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के दबाव में, उस समय विधानसभा 2022 था, उसके लिए जो उनके पास आरक्षित वर्ग के नेताओं का दबाव था, उसके कारण वो 6800 की सूची जारी की गई, और आज वही सरकार के लिए विडंबना बनी है और हाईकोर्ट द्वारा हम लोगों के ऊपर तरवाल लटकी है। नौकरी पर मुझे एक चीज़ समझाइए, अगर नई सूची बनती है तो सवर्ण समाज से आने वाले जो कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक के तौर पे काम कर रहे हैं और नौकरी पे खतरा है? जी हम लोग केवल सवर्णों के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम लोग पूरी सूची बचाने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है सर, ये जो फैलाया जा रहा है कि केवल सवर्ण बाहर होंगे, सर बाहर तो केवल सवर्ण होंगे लेकिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का जिला बदला जाएगा। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो ट्रांसफ़र लेके अपने घर जा चुकी हैं, अपने ज़िले में जा चुकी हैं, उनके लिए फिर से सूची बदलेगी अगर, तो उनके लिए संकट खड़ा हो जाएगा। संकट ऐसे कितने शिक्षकों पर? सर 6800 शिक्षकों पर खड़ा होगा, 6800 अब शिक्षकों के बाहर होने की नौबत आएगी, और सूची बदलने से लगभग पूरे शिक्षकों के, कुछ जो हाई बहुत ही ज़्यादा हाई मेरिट के हैं उन्हीं का नहीं, बाकी सब का जिला बदलेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सवर्ण हैं उनमें 6800 की नौकरी चली जाएगी और जो बाकी उसमें जिसकी नौकरी बचेगी भी उसका जिला बदलेगा और जिला बदलेगा, ब्लॉक बदलेगा, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। सब लोग अपने जीवन में खुश हैं, नौकरी चल रही है सबकी, सब अपने घर के नज़दीक पहुंच गए हैं ट्रांसफ़र लेके, तो ये अगर सूची बदलेगी तो सब अस्त व्यस्त पुनः हो जाएगा सर। और हम लोग ये जो 6800 अभ्यर्थियों द्वारा फैलाया जा रहा है कि हम लोग केवल सवर्णों के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग पूरे 69,000 भर्ती की सूची बचाने का काम कर रहे हैं सर, कि ये सूची सरकार कैसे भी मैनेज करे, अगर हमारा विरोध उनसे नहीं है, उनको अगर सरकार नौकरी देना चाहती है दे, लेकिन हमारे ऊपर तलवार जो लटकी है वो हटाने का काम करें। इस पूरे मामले में दोषी कौन? सर दोषी कहीं ना कहीं से इस पूरे मामले में सरकार ही है। सरकार से हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि जो डबल बेंच का ऑर्डर आने के बाद उन्होंने एक तरफा निर्णय लिया है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, सर ये उम्मीद हम लोगों को सरकार से नहीं थी। सरकार ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हैं सर, हम लोग आज नौकरी में हैं तो सरकार के ही प्रयासों की वजह से हैं, लेकिन सर इस समय सरकार हम लोग के साथ में नहीं है, और हम लोग भी जल्द ही जल्द सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और साथ साथ हम लोग भी धरना प्रदर्शन करने को कार्य शिक्षक बाध्य होंगे। मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हम अगर वो 6800 के तरफ उनका ध्यान जा रहा है, उनको जॉब में लाना चाह रहे हैं, उनको शिक्षक बनाना चाह रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर बनाइए, लेकिन सर हम लोगों के साथ भी न्याय करिए, हम लोगों के भी भविष्य को बचाइए। 4 साल में कितने लोगों ने लोन ले लिया है, कितने लोग की शादियाँ हो चुकी हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अगर जॉब से निकाले जाएंगे तो उनका भविष्य बर्बाद जाएगा सर। अभी उसी में जी, क्या नाम है? ब्रजेश कुमार वाजपेयी। वाजपेयी जी, ये इतना मामला जो पेचीदा हुआ है, क्या लगता है कौन है इसमें दोषी? सबसे इसमें सर हमको तो दोषी लगे जो सरकार के उच्च अधिकारी हैं जिन्होंने ये लिस्ट दोबारा जारी की है, उनकी गलती हमको ज़्यादा लग रही है कि अगर कोई विसंगति थी, वैसे लगता नहीं है, अगर कोई विसंगति थी तो इसका निर्णय पहले ही हो जाना चाहिए। 4 साल बाद जो सवर्ण लोग हम लोग जॉब कर चुके हैं, जैसे बहुत से लोग हैं जो उसमें से बाहर मान लीजिए होते हैं, उसमें कई लोग ऐसे हैं जो पहले कहीं जॉब करते थे सरकारी छोड़ के, मैं उनमें से खुद एक हूँ, मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एम्प्लॉई रहा हूँ 6 साल और मैंने वो जॉब छोड़ के जो है, मैं फैजाबाद डिवीज़न में था। किस डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। अच्छा जी, तो मैं फैजाबाद डिवीज़न में था, वहाँ मैं 6 साल नौकरी कर चुका हूँ, लगभग 7 साल होने, वहाँ की जॉब छोड़ के मैंने इसको ज्वाइन किया था, और अगर अब 4 साल बाद मुझे वो जॉब, ना मैं ना इधर कर रहा हूँ ना उधर कर रहा हूँ, तो ऐसे में हम लोगों की क्या गलती है इसमें? एक नौकरी छोड़ के सरकारी, दूसरी सरकारी नौकरी में, और उस पर भी रिस्क हो गया जी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की, जबकि उसको छोड़ के हम स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में आए थे, कि ये थोड़ा हमारे ठीक, हमको टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसमें फ़ायदा होगा हमको। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? सर यही कहेंगे सर, हमारी कोई
पर्सनल दुश्मनी उन लोगों से नहीं है, हमारा उनको भी जॉब अगर मिल सकती है उनको दे बिल्कुल दे, लेकिन हम लोगों के ऊपर जो तलवार लटकी हमारी और जॉब है वो हमारी ना जाए, बस यही हम चाहते हैं जी। भैया आपसे भी यही पूछूंगा सवाल, दोषी किसको मानते हैं और इस पूरी समस्या का हल क्या? दोषी ये प्रकरण बड़ा चारों ओर से घिर चुका है, इसमें एक पक्ष तो वो है जो अपने को पीड़ित दिखा रहा है और दूसरा पक्ष वो है जो 4 वर्ष से नौकरी कर रहा है, और वो भी तब जब सरकार विधानसभा के पटल पे कई बार यह बात कह चुकी है कि पूरी जो भर्ती 69,000 की थी जो लिस्ट पब्लिश हुई वो पूरी निष्पक्ष है, अपने प्रेस नोट में बार बार ये बार कह रही है, और इन अभ्यर्थी जो आज बाहर होने की कगार में है, माननीय सिंगल बेंच में वो अपना केस जीते हुए हैं, परंतु राजनीतिक दबाव में सरकार की लचर पैरवी के कारण जो भी ये निर्णय आया है, अपनी बार बार सफाई के बावजूद भी उसने एक तरफ का फैसला लिया है कि वो एपेक्स कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रही है। अगर नहीं जा रही है तो माननीय योगी जी से हम चयनित लोग जो हैं जो नौकरी कर रहे हैं वो एक आश्वासन चाहते हैं कि 4 वर्ष के बाद हमारे ऊपर आपका वर्चस्व होगा, आपका कृपा हाथ हमारे ऊपर बना रहेगा, क्या हम आज अपने परिवार को लेकर क्या सड़कों पर आ जाएंगे? ये माननीय योगी जी से माननीय सरकार से हमें यह एक आश्वासन चाहिए, और उसके अलावा अगर ये कुछ इस प्रकार की नई लिस्ट पब्लिश करते हैं और यहाँ पे 6,800-7,000 प्लस लोग बाहर होने की नौबत आती है तो हमें इस देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका न्याय पंचायत में जाने के अलावा हमारा कोई वो नहीं बचेगा। बाकी अगर हमें वोट बैंक नहीं समझा जाता, इस देश में हमारी संख्या से भी समझी जाती है, तो क्या हम अनाथ के रूप में राजनीतिक वर्चस्व नहीं रहेगा? कोई पार्टी हमारी बात नहीं करने को तैयार, हम राजनीतिक अछूत समझे जा चुके हैं इस समय। इस प्रकार हम सभी पार्टियों के नेताओं से जो पक्ष में है विपक्ष में वो पूरी तरीके से उन सबका हमें नेतृत्व चाहिए, सारे पक्ष के सारी राजनीतिक पार्टियां जो एक पक्ष को लेके ना चले वो पूरी इसको 360 डिग्री देखने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को पिछड़ा बना मगड़ा बनाने की कोशिश राजनीतिक दलों द्वारा की जाए। वर्तमान 2024 का रिजल्ट भी आया, एक प्रकार का पिछड़ा की लामबंदी से सरकार को लगता है, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट भी आई, तो एक राजनीतिक प्रेशर है, परंतु इसको हम अभ्यर्थी के रूप में पिछड़ा बना मगड़ा नहीं देखते, हम सामान्य घर के लोग हैं, हम राजनेता नहीं है, सामान्य अभ्यर्थी हैं, हम अपना हित सुरक्षित चाहते हैं। अगर हमारे साथियों का लिस्ट आता है जो इस भर्ती में एग्जाम दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, उनकी भर्ती होती है तो हमें उनको स्वागत करते हैं इस बेसिक शिक्षा विभाग में, वो भी अपनी सेवाएं प्रदान करें, परंतु जो 4 वर्ष से चयनित हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी कई आदेश है, इतने वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कोविड काल में हमारे चयनित शिक्षक 69,000 भर्ती में कितने लोगों की डेथ हो गई, प्रतिदिन 60-70 किलोमीटर दूर जाते हैं यात्रा करते, कितने लोगों एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं इस सरकार को सेवा देने में। सरकार की जॉब को सेवा इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो नदी के पार करते नाव से भी एक प्राथमिक विद्यालय में अपनी सेवा देने सुदूर जंगल में जाता है। तो उस नाम क्या आपका? मेरा नाम दुर्गेश शुक्ला है। कितना डर है शुक्ला जी आपको कि अगर आपकी नौकरी चली गई, मान लीजिए सपोज करके कि नौकरी चली गई, किस तरह का प्रेशर? एक प्रकार का बहुत ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार के प्रेशर हमारे ऊपर हैं, हमें अपना भविष्य अंधकारमय दिखता है, बहुत लोगों ने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को एक अच्छे विद्यालय में एडमिशन करा चुके हैं, अपना घर बनाने के लिए कुछ लोगों ने लोन ले रखा है, अपना विवाह कर लिया है, समाज में एक शिक्षक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा है, तो वर्तमान में ये सारे प्रश्न उनके सामने खड़े हो जाएंगे कि वो उनको क्या जवाब देंगे। लोगों के रिश्तेदारों के फ़ोन घनघनाने लगे हैं कि आपका क्या है, आप क्या बाहर होने जा रहे हैं, इस प्रकार की सामाजिक पीड़ा से और आर्थिक पीड़ा से वो दो चार होने जा रहे हैं, और जो 4 वर्ष के बाद ये मानसिक आघात लगा है ये माननीय सरकार के ऊपर, माननीय योगी जी, माननीय डिप्टी सीएम, जो भी हमारे उच्च नेतृत्वकर्ता हैं और अधिकारी भी बेसिक शिक्षा विभाग, आप सबसे हमारा एक प्रश्न है कि हमें आपका अभयदान चाहिए, हमें इस प्रकार का ये चाहिए कि हम जब बार बार सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई किसी प्रकार का नहीं घपला नहीं हुआ था, तो आज ये दशा एकाएक क्यों? क्या इसमें कोई राजनीतिक दबाव है आप पे? ये आप जाने, परंतु हमें आपका राजनीतिक संरक्षण चाहिए। तो ये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो ये कह रहे हैं कि इन्हें राजनीति से मतलब नहीं है, गलती अधिकारियों की और सरकार की कुछ लचर पैरवी कोर्ट में होने की वजह से आज 6,800 ऐसे सवर्ण समाज से आने वाले जो शिक्षक हैं उनकी नौकरी पर बनाई है। इनको आपत्ति इस बात पे नहीं कि ओबीसी समाज के लड़कों की नौकरी लगे या ना लगे, इनको अपनी नौकरी की चिंता है। वहीं ओबीसी समाज के लड़कों का कहना है कि सवर्ण की नौकरी लगे उन्हें कोई आपत्ति नहीं, नौकरी उन्हें मिलनी चाहिए। तो दोनों सवर्ण और पिछड़े दोनों चाहते हैं कि नौकरी मिले, सबसे जो मुख्य इनकी मांग है, लेकिन किसी की नौकरी ना जाए और दूसरों की नौकरी लग भी जाए। अब इसमें सरकार क्या फैसला करेगी ये एक देखने वाला बेहद रोचक पहलू होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।